अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं, अच्छे से हैं। तो हम सब हाजिर हैं आपके सामने एक नए व्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया था सुबह तहज्जुद के टाइम। शुक्र अल्लाह का ये बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ होती है। ऐसा होता था ना कि कभी कभी नहीं होती थी, पर जब से एलियन आया है ना, वो एक तरीके की अलार्म क्लॉक बन चुका है मेरे लिए। सुबह सुबह उठता है, लाइक सुबह मतलब 2 बजे 2:30 बजे, और चिल्लाता है, या तो उसको टॉयलेट जाना होता है, जो भी उसका पॉइंट है, बट वो उठा देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, ये सब होने के बाद फजर की नमाज़ वगैरह हो गई, मैं आ चुकी थी किचन में बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करने के लिए, वो भी हो चुका था। और आज जो है मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई थी 1 पॉट पाव भाजी। इतनी अमेजिंग बनी थी वो कि मैंने लाइफ में ऐसी पाव भाजी कभी नहीं खाई, इतनी मस्त बनी थी। और उसका शॉट जो है अब तक मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी होगी, आप लोग ने देख भी लिया होगा। और ये जो है मैं कर रही थी पाव फ्राई, बच्चों का तो हो चुका था, ये मेरे हस्बैंड के लिए कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, पता ही नहीं क्या मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, इतनी मस्त बनी थी। और ये पाव को भी जस्ट मस्का, पाव भाजी मसाला, कोथमीर डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके ले रही थी। कोथमीर का थोड़ा सा शॉर्टेज हो रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज कभी अवेलेबल हो रही है, कभी नहीं अवेलेबल हो रही है। और मेरे यहाँ तो 100 रुपये पर गड्डी हो गए, मतलब जो एक गड्डी होती है वो 100 रुपये की हो चुकी है। आप लोगों के यहाँ कितने की है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसा है ना कि कोथमीर लगती है मुझे, चाहे नॉन वेज हो, दाल हो, ये चीज़ें तो कोथमीर के बिना होती नहीं है। और मैंने मेरे हस्बैंड को भी जो है ब्रेकफास्ट दे दिया था, और बाद में ये वीडियो जो है मैंने थोड़ा शॉर्ट के लिए थोड़ा अच्छा सा उसको प्रेजेंट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मुझे व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, 1000 के ऊपर, 1000 भी होना ये मेरे लिए बहुत, अभी फ़िलहाल के लिए बहुत अलग खुशी है। तो बस चले, ये मेरी पाव भाजी रेडी हो चुकी थी, मैं मेरा नाश्ता बना रही थी। जब मैं नाश्ता बना रही थी तभी मैंने सोचा चलो जो लास्ट का शॉर्ट है ना वीडियो का वो ले लेती हूँ, और ये एक बाइट गया, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की थी, बस मैंने रिएक्शन सबके सुने थे कि अच्छा अच्छा जैसे हस्बैंड ने बोला, बच्चे ने बोला। और ये पॉइंट पे मैं एकदम, वो कहते हैं ना, मैं फिदा हो गई ये वाली रेसिपी पे, और मैं जब भी बनाऊँगी अब मैं यही रेसिपी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए, बस एकदम मस्त पाव भाजी बनी थी, मैंने पाव भाजी का नाश्ता किया और पाव वगैरह फ्राई करके, और यहाँ पे बन रही चाय। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ हो चुकी है, हाँ सूर्य नहीं पढ़े अभी तक, वो पढ़ लूँगी चाय जब तक होती है। और आज मैं जो है ना, आज एक्चुअली फ्राइडे वेज डे हो गया हमारा, सुबह मैंने पाव भाजी बनाई थी, और अब मैं बनाऊँगी रसम राइस इंशाल्लाह। तो चलिए ये होती है, तब तक पढ़ाई कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं रसम ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, तो सबसे पहले टमाटे अच्छे से धो के लेते हैं, बिकॉज कैसा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा गंदे आ रहे हैं टमाटे, ये वॉश करके ले लिए। इसको है ना कुकर में डाल के एक सीटी ले लेंगे पानी डाल के। ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, देखते क्या रिजल्ट है। हाँ, इमली भिगो के रख दी, बिकॉज बहुत ज़रूरी है ये चीज़। इसमें पानी डालेंगे 1 से 1.5 ग्लास, और इसको एक सीटी ले लेंगे सिर्फ। बंद कर दिया लिड, इसको रख देंगे सीटी के लिए बस एक सीटी, और देखते एलियन की दर है हमारा, चल इनकी जगह ऑलवेज की, देखते सोई हुआ है, सो जा आराम कर, रात भर जागता है ये फ्रेंड्स, और इसको दिन में नींद आती है, कोई बात नहीं चल। और यहाँ पे जो है टोमेटोस बॉईल हो चुके हैं, इसकी स्किन निकाल देंगे, और ऐसी छन्नी होती ना उसमें इसको मतलब नीचे एक बाउल रखे या कुछ रखे, उसको स्मैश करके ले लेना अच्छे से पानी डाल डाल के। तो चलिए करते, ये देखिए सारे मैंने इसके छिलके निकाल लिए, अब इसको स्मैश कर लेंगे आराम आराम से। तो ये आप देख सकते हैं ये अभी हुआ नहीं, इसी तरह देखिए ऐसे थोड़े थोड़े पानी डाल के ना आपको इसको ऐसे स्मैश करते जाना है, ये देखिए ऐसे पानी निकलेगा पूरा फिर। और यहाँ पे वो पल्प पूरा निकाल दिया है, अब इसको तड़का देंगे, फर्स्ट टाइम ट्राई करियो, होप अच्छा लगे। चलिए
इसमें डाल देंगे हम लहसुन, मैंने ज़्यादा ले लिया, ठीक है। और बारीक का करेंगे हम सभी एक प्रोसीजर, बिकॉज जितना बारीक का हम तड़का देते हैं ना उतना टेस्ट अच्छा आता है भाई। तो चलिए इसको थोड़ा सा, और जैसे दाल के लिए करते वैसे कर देंगे। अब इसमें जो है ऐड कर देंगे राई, कड़ी पत्ता, उसको अच्छे से पकने देंगे। यह हो चुका है, गैस का फ्लेम बंद करेंगे अभी, और इसमें जो है मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। एक चम्मच उतना ऐड करूँगी, बिकॉज आई थिंक लगेगा, ठीक है। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी मैं, बिकॉज हमें मिर्ची पाउडर जलाना नहीं था इसके लिए। अब इसमें ये वाला पल्प ऐड कर देंगे, ये जो हमारा टोमेटो सूप है। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, लाइफ में न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने मेरे लाइफ में कभी ये बनाया नहीं है, बट आज मैंने सोचा कि मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे नमक, टेस्ट करना है हमें सब, थोड़ा सा इमली का पानी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, अगर अक्खा ज़ीरा है तो तड़के में दे दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया। और इसको अच्छे से कुक करना है, नमक वगैरह टेस्ट करना है, फिर देखेंगे। और ये बहुत ही मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या हो गया माँ, क्या हो गया, किधर जा रहा, क्यों क्यों पैर को मत छू, मम्मा खा मम्मा खा, मम्मा का भूख लगी रहेंगी तो क्या करता, क्या करता माँ। गुड बच्चा है, अभी वॉशरूम में जाके वॉशरूम करके आया ना बेबी। हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ हाथ इधर देख, क्या करता, जा सो जा, जाके जा, जा जाके सो जा, जा बच्चा जा, एलियन एलियन चल। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये कैसे टेस्ट करेगा, क्या करेगा। खुशबू तो अच्छी आ रही है, बट लेट्स सी, लगता है बच्चे भी आ चुके हैं, लेट्स सी हाउ इट टेस्ट, टेस्ट करके रिस्पॉन्स ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, इस पर कोथमीर डाल देते हैं। और ये बहुत टेस्टी बना था, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं इसके बाद। आ जाएगा क्या करा तू इलियन। और यहाँ पे ये, और ये इसकी मतलब सुस्ती का टाइम है, वो रात को जागता है। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ, और एलियन की अलग मस्ती के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।